अब हम आइसोलेट हो चुके हैं और घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। अब हमें फोमाइट से बचना है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या आप जानते हैं फोमाइट्स क्या होता है? आइए जानते हैं। फोमाइट्स वो वस्तु होती है जिस पर वायरस अटैच हो जाता है और एक से दूसरे व्यक्ति तक उसे पहुंचाता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मिल्क का पैकेट जो हम बाजार से खरीदते हैं, या फिर कोई भी ऐसी पैक्ड चीज, चाहे वो ब्रेड हो या कोई दूसरी चीज जो हम खाने के लिए घर लेकर आते हैं। इसलिए अब हमें फोमाइट से दूर रहना है और इससे बचना है। क्या इसका कोई सलूशन है? हाँ बिल्कुल है। जो भी पैक चीज खरीद कर घर लाए हैं उसे रनिंग वाटर में साबुन से धो लें। ऐसी चीजें जो एक दो दिन में नहीं खराब होंगी उन्हें बाहर कहीं रख दें और 12 से 24 घंटे के बाद ही उन्हें इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि अगर उन पर वायरस होगा तो वो 12 से 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद मर जाएगा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिए और फोमाइट से बचिए। ऐसा ना हो कि हम घर में रह रहे हैं लेकिन जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ज़रिए वायरस हमारे घर में आ जाए। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ जो बाहर से घर के अंदर आ रही है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सतर्कता से उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो आई होप सो कि आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और एक लास्ट मैसेज आप सभी के लिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और फोमाइट से बचिए।